अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो चलो गाइस, आज हम बनाते हैं सेहत से भरपूर खीर, यानी मखाने की खीर। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो हम आ गए किचन में। तो हम लिए हैं 2 कप भर के मखाने और कुछ ड्राई फ्रूट लिए, जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता और छुहारे। आप अपने मनपसंद के कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो पसंद करते हैं। इसको व्रत के लिए बनाओगे तो बहुत ही ताकतवर होता है। अगर ये कटोरी भर के खा लोगे ना, दिन भर एकदम बिल्कुल तरोताज़ा रहोगे, ताकतवर भी रहता है ये खाने से। इससे शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत आती है, एनर्जी भी आती है। तो हम देखो, कढ़ाई में डाल दिए 2 चम्मच भर के घी। अब हम मखाने को रोस्ट कर रहे हैं। तो इसको हम जब तक रोस्ट करेंगे कि जब तक ये एकदम कड़क नहीं हो जाता, यानी टाइट। तो इसको देखो चेक कर ले रहे हैं, अभी थोड़ा कम टाइट है। तो इसको थोड़ी देर 2 मिनट और भूनेंगे, उसके बाद इसको हम निकालेंगे। तो 2 मिनट बाद इसको हम निकाल ले रहे हैं प्लेट में। तो देखो प्लेट में इसको निकाल ले रहे हैं। तो चलो दोबारा से हम कढ़ाई में डालते हैं तेल 2 चम्मच, और जो ये ली हूँ ड्राई फ्रूट सारे, इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। तो गैस थोड़ा तेज़ है, इसलिए देखो कढ़ाई में घी बहुत जल्दी गर्म हो गया है। तो उसमें हम डाल दे रहे हैं अब बादाम ज़्यादा टाइट होती है, इसलिए इसको पहले ही रोस्ट किया जाता है। तो इसको हम रोस्ट करके निकाल ले रहे हैं प्लेट में। उसके बाद जो सारे ड्राई फ्रूट लिए उसको भी रोस्ट कर लेंगे हम। पिस्ते को छोड़ के, पिस्ते को नहीं रोस्ट करेंगे हम। इसको रोस्ट कर लो ना, थोड़ा इसमें अच्छे से सोंधी सोंधी से खुशबू आने लगी और अच्छे से एकदम ख़राब नहीं होगा जल्दी से। आप इसको रोस्ट करके रख दो ना, जल्दी ड्राई फ्रूट ख़राब नहीं होते। तो देखो ये सारी चीज़ें भी हम रोस्ट कर ले रहे हैं, सारी चीज़ें हमारी रोस्ट हो गई। अब इसको हम सारी चीज़ों को निकाल ले रहे हैं। अब बादाम के छोटे छोटे टुकड़े काट लूँगी, और तो सारी चीज़ें हम काट लेंगे पहले से ही। देखो सारे रोस्ट हो गए। अब पिस्ते को नहीं करेंगे, तो पिस्ते को हम एक साइड कर दे रहे हैं। तो चलो अभी हम कढ़ाई रख देते हैं, उसमें डाल देंगे पानी। उसी कढ़ाई में देखो थोड़ा सा पानी डाल दें, क्योंकि इसमें हम दूध डालेंगे ना, तो पानी पहले डाल देंगे ताकि कढ़ाई में दूध चिपके नहीं। तो इसमें अब हम 4 कप फुल क्रीम दूध डालेंगे। तो 4 कप है दूध, 1 लीटर से थोड़ा सा कम है। 1 कप और डाल देते तो 1 लीटर दूध हो जाता है, 1 कप बचा ली थी हम। तो देखो 4 कप इसमें दूध हम डाल दिए। अब गैस जला देंगे, दूध को धीरे धीरे पकने देते हैं। इधर उधर चलते हैं, हम मखाने को पीस लेते हैं, यानी पाउडर बना लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मखाना निकाल लेंगे डेकोरेट करने के लिए, यानी सजाने के लिए, और ऊपर से डालने के लिए उसमें खीर में, और सारे हम पीस लेंगे यानी पाउडर बना लेंगे। तो चलो इसको हम डालते हैं मिक्सी के जार में, इसका पाउडर बनाते हैं फटाफट से। तो गाइस, आज की वीडियो हमारे कैसे लग रही? अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा देना ताकि जो नई वीडियो डाले आप तक पहुंच जाए, ये बिल्कुल फ्री है। तो देखो दूध में हम डाल दिए केसर के धागे, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आए और अच्छा सा कलर भी आ जाए। अब जब हमारे मखाने भी पीस के रेडी हो गए, जो कुछ इस तरह से पीसना था, बिल्कुल पीस नहीं किया है, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मोटा, लेकिन ये जब इसमें पकाएगा ना तो अच्छे से पक जाएगा। ये एकदम खीर इसी बहुत मस्त बनेगी, चावल से ज़्यादा इसकी खीर अच्छी लगती है खाने में। एक बार आप ज़रूर इसको इस व्रत में बना के खा लीजिएगा, नवरात्र में बहुत अच्छी खीर लगती है। आप ऐसे ही भी खा सकते हैं, इसको अंधेरों में भी खा सकते हैं। ये नहीं कोई कि नवरात्र में खाएँ, कोई भी बना के इसको खा सकता है। और ये बहुत ताकतवर भी होता है, फाइबर से भरपूर होता है। अब इसमें हम डाल दिए 4 चम्मच चीनी भर के, यानी 1/4 कप चीनी डाल दिए। मीठा आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट, थोड़ा थोड़ा बचा लेंगे और सारा इसमें हम डाल देंगे। देखो सारा इसमें हम डाल दे रहे हैं और थोड़ा सा बचाएँ बस। तब इसको थोड़ी देर और हम पकाएँगे। दूध देखो पकते पकते कितना कम हो गया, जब आधा से कम हो गया ये, तो इसको इसे हम थोड़ा सा और डाल दें। हमें कम लग रहा था, थोड़ा सा और हम डाल के डाल दें। साल कर मम्मी ये क्या कर रहे हैं, और डाल दें। हम कहे चलो थोड़ा सा और डाल देते हैं, ऊपर से थोड़ा ही डालेंगे सजाएंगे। तब इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। बस खीर हमारी बनके रेडी होने वाली है बिल्कुल, और बहुत मस्त इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी दिख भी रही है। अभी ये देखना भी, अब गाढ़ी हो जाएगी जब हम गैस बंद करके जो रखेंगे ना थोड़ी देर, तो गाढ़ी हो जाएगी। अभी इतना गाढ़ी हुई है ये, अभी और हो जाएगी। तब हम इसकी गैस को बंद कर देंगे, इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हुआ तो बहुत अच्छे से, ठंडा होने के बाद बहुत अच्छे से खीर बन जाएगी। तो ठंडा हो गया, वाह माशाल्लाह खीर कितनी बेहतरीन बन के रेडी हुई है, बहुत मस्त खुशबू आ रही है।
जिसको हम जुमेरात के दिन बनाई थी, क्योंकि इसको हम नियाज भी करवा दी थी। हर जुमेरात ना हम गौस पाक का नाम नियाज करवाते हैं, तो हम बना ली थी। तो हम कहे चलो यही इसी के आज नियाज हम करवा देते हैं खीर की ही बना के। तो बहुत मस्त खीर बन गई थी। तो माशाल्लाह आप लोग भी इसको अपने घर पे बना के एंजॉय कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है खीर खाने में। और आपको तो पता है कि मखाना और ये ड्राई फ्रूट कितने ताकतवर होते हैं, अगर एक 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 कटोरी खाओगे तब भी बहुत ताकत आएगी, सुबह नाश्ते के बाद खा लोगे तो बहुत मस्त हो जाएगी शरीर, तरोताज़ा हो जाएंगे आपका मन। और नवरात्रम चल रहा है, अभी नवरात्रम में तो आप जब व्रत रखे हो तो व्रत में खा सकते हो। तो देखो माशाल्लाह इसको हम डेकोरेट भी कर दिए, कितना मस्त लग रहा है देखने में, लग रहा ना देखने में। तो चलो इसको हम थोड़ा सा कटोरी में निकाल के दिखा दे रहे हैं, ये सर्व कर ले रहे हैं कटोरी में खाने के लिए। बस अभी इसको हम खा के नहीं आपको बता सकते, क्योंकि अभी इसे हम नियाज करवाएंगे यानी फातिहा करवाएंगे। तो इसीलिए हम कटोरी में निकाल दिए हैं, इसी के हम फातिहा करा देंगे, सारा नहीं रखेंगे एक साथ। तो गाइस आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट कर देना, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और अपना